से दस्तखत करवाया जा सकता है? असंभव। मगर मैं दस्तखत करवाऊंगा, यहाँ जो 5 साल पहले मर गए है, मैं उसे अभी यहाँ दस्तखत करवाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पर संभव हो सकता है, यहाँ संभव हो सकता है, अन्यथा और कहीं नहीं संभव हो सकता। एक आपने कोई मम्मी लड़के को भेजा था जी दुलहीपुर से, जो कि डॉक्टर ने सूरत इलाज करवाया, जवाब मिल गया था, वो आप ही का नाम बता रहा है, वो अभी आज के डेट में चल रहा है दुलहीपुर। मेरा भी भेजा हुआ पेशेंट था वो। चलो तो ठीक है, अभी मैं आगे बात करता हूँ। तेरा नाम क्या है? पट्टी खोल दे इसकी। तेरा क्या नाम है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम नाम क्या नाम है? नाम क्या है तेरा? अरे तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा? बारम है भाई। एक एक कई साल से पकड़े रहे है तू? बारम, इसको कितने साल से पकड़ा है? इसको तुम कई साल से पकड़े हो? 5 साल से। इसके पहले किसको पकड़े थे? एकरी बहन के। उसको क्या बना के रखे थे? इसकी बहन को तुम क्या बना के रखे थे? इसकी बहन को क्या बना के रखे थे? इसकी बहन को क्या बना के रखे थे? बीबी। अच्छा, तो वो इस समय कहाँ है? इसकी बहन कहाँ है? यही जगह है। उसको तूने मुआ दिया? कई साल पहले? 5 साल पहले। कैसे मुआ दिया? क्या करके मुआया तू उसको? उसको क्या करके मुआ दिया? उसको कौन सी बीमारी देके मुआ दिया? उसको कौन सी बीमारी देके मुआ दिया? उसको कौन सी बीमारी देके तुमने मार डाला, ये बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ यार। अब इसको क्या बना के रखे हो? ये वाली लड़की को क्या बना के रखे हो तुम? बीबी। चलो अभी तुम वो जो मर गई है इसकी बहन, उससे हमारी बात कराओ, जल्दी बात कराओ, तुरंत किनारे हट जाओ तुम, उससे हमें बात करना है, जल्दी हटो, तुरंत उसको भेजो। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम क्या है? अरे रोना बाद में भैया, आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? आरती। तुम कैसे मर गई थी आरती? तुम कैसे मर गई थी आरती? तुमको क्या हुआ था? हमको बरम बरम मुआ दिया था। वो बता रहा है तुमको, हम बीबी बना के रखे थे, फिर हमने उसको 5 साल पहले मार दिया, सही है? अब ये तुम्हारी छोटी बहन को भी बीबी बना के रखा है। तुम लोग कितने इसके ऊपर शैतान भूत थे बरम को लेके? कुल कितने थे? कुल कितने थे? 15 में कितने बचे हो? 10। 5 कहाँ गए? मार गए। कौन मारा? आप। अगले डेट को मैंने मार दिया। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारा कोई रिश्तेदार बैठा है? कहाँ है तुम्हारी माँ? यहाँ कहाँ है देख के बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ कहाँ है? यहाँ पर कौन है माँ? इस औरत में, इतनी औरतों में तुम्हारी माँ कहाँ पर है? हाँ, कौन है? लो उससे बात करो। ए, अपनी लड़की से बातचीत करो, पकड़ो इससे बात करो। ये आपकी लड़की है, आप बात नहीं करना चाहेंगी। ये कौन है? ये कौन है? ये देखो, ये दादी है। तुमको इलाज के लिए कहीं नहीं गए थे? अरे इसको कहीं, फिर जब ये हुआ था तो कहाँ ले गई थी? बीएचयू में ले गई थी। घूंघट जरा उधर कर लो और थोड़ा सा हल्का सा। बीएचयू में ले गई थी तो डॉक्टर क्या बोला? टीबी है बोला।
अच्छा, और कोई ओझा मुलबी मौलाना को दिखाई थे? अच्छा, कोई कहे आज कामनी है, ये है वो है, कोई हल नहीं कर पाया। अच्छा, तो कहाँ पर तू मरी थी, घर पे कि अस्पताल में? घर में। घर में। उस समय सुबह था कि शाम था? शाम। शाम कै बजा था लगभग? 11 बजा था सुबह में। रात को 11 बजे? ये रात को 11 बजे मर गई थी, मालूम है आप लोग को? आप सुने होंगे कुछ? मालूम है, 11 बजे रात को मर गई थी। ठीक है, तुम्हारी अर्थी कहाँ पे जलाई गई, बनारस की वही जगह? तुम्हारी चीता कहाँ जलाई गई? बनारस। कहाँ पे तुम्हारा घर था? कटोरी। हाँ? कटोरी। कटोरी। जिला? चंदौली। जिला चंदौली। कहीं तक पढ़ी थी आप? आठ तक। जरा साइन वाइन करो, ये लो अपनी साइन करो जरा सा, ये लो। ये जो मर गई है 5 साल पहले, मैं अब उससे उसी की दस्तखत करवाता हूँ। ये लो लो, ये लो, बुक पकड़ो। कहाँ पे पढ़ती थी, कौन स्कूल में पढ़ती थी? कौन स्कूल में पढ़ती थी? स्कूल में पढ़ती थी आठ में, तो कौन सा स्कूल था? स्कूल का नाम, स्कूल का नाम क्या था? स्कूल का क्या नाम था? स्कूल का नाम क्या था? स्कूल का नाम क्या था? अरे स्कूल का नाम आपका क्या था? टीचर थी कि टीचराइन थी पढ़ाने वाली? है? लेडीज पढ़ाती थी आपको, आदमी पढ़ाता था? स्कूल का क्या नाम था, इसका टीचर आदमी था? अच्छा, स्कूल का नाम क्या था? तुम्हारे बाप का क्या नाम था? तुम्हारे बाऊ का नाम क्या था? डोमन। तुम्हारी मम्मी का नाम? रामावती। ठीक है, तुम्हारा नाम लिखो इस पे, लो कायदे से नाम लिखो, एकदम लिखो, जल्दी से लिखो, लिखो तो बढ़िया सा नाम लिखो, इतना जैसे लिखती हो, लिखो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी नाम लिखो, नाम लिखो इतना, नाम लिखो इस पे, नाम लिखो जल्दी से नाम लिखो, लिखो देख के लिखो आराम से, इतना नाम लिखो, जल्दी लिखो। बड़ा करके ले लो इसको। ये अभी अभी आत्मा, ये जो 5 साल पहले मर चुकी है, वो आत्मा नाम लिखी है। अभी मैं इसके बाद, इसको हटाने के बाद, इस लड़की का नाम लिखवाऊंगा, फिर देखिएगा आप लोग, ठीक है? चलो, अभी तुम लोग 5 मरे हो, ये तो पुष्टि कर ही दिया। अगले डेट में हम तुम लोगों को मुक्ति दे देंगे, ठीक है? अभी हम 5 को मारने जा रहे हैं, जो और शैतान है जो तुम्हें आजिश कर रहे हैं, मैं उसको मारने जा रहा हूँ, ठीक है? अगले डेट पे, यानी आज के दिन, अगले संडे को मैं आपको मार दूंगा। अभी ये कैसेट बनाकर मैं मीडिया को भेजना चाहूंगा, इंडिया टीवी को, कि सच्चाई देख सकते हो, दिखा सकते हो, तो पूरी दुनिया को दिखाओ। 5 साल पहले जो मर गया है वो कैसे दस्तखत कर सकता है, मगर कर रहा है। देखो, वो अपने बाप, बाप भाई बहन सबका नाम बता रहे। ये कौन है आपका, ये इसको पहचानती हो? ये कौन है, देखो ये कौन है? ये फुफा है। आप भी बहुत दिन पहले, कितने दिन पहले आप अपनी लड़की को लेके आए थे? पहली तारीख को, यही इसी महीने में। कितना दिन हुआ लगभग? 25 तारीख है, यानी 25 दिन, एक महीना हो गया लगभग जी, एक महीना। कितने भूत आपकी लड़की पे थे? 6 मरवा दिया तो आराम हो गया? उसको लोग ओझा बोल रहे, क्या बोल रहे थे? सर हम लोग बहुत परेशान हुए, पहले तो मगर सना भर्ती कराए, एक हफ्ता विश्वविद्यालय में बहुत पैसा लग गया, वहाँ से फिर अपने यहाँ लाए हैं, तो सरकारी अस्पताल में कराए, वहाँ भी डॉक्टर जवाब दे दिए कुछ नहीं, अब थोड़ा दिखवाइए। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कि दिखवाइए? हाँ, MBBS डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर ने बताया, ये बताया कि दिखाइए। हाँ, और डॉक्टर तो नहीं दिख बताए लोग, हाँ, वो बताया कि आप इसको कहीं दिखाइए। इसके बाद हमने बहुत ओझा सोखा को दिखाया, हाँ, ओझा सोखा बताते थे प्रेत है, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। तो फिर पूजा के नाम पे क्या बोल रहे थे? फिर बाबा जी हम एक जगह गए, बताया लोग सुखी में पंडित जी रहते हैं, बनारस के आते हैं, वो जरकार हैं, तो वहाँ हम लोग लेकर गए, सबको बताए, ठीक किए एक दिन के लिए, एक दिन मात्र, दूसरे दिन खराब हो गया। फिर हम गए तो बताए, तो बताने लगे पंडित जी कि आप यहाँ वो कराइए यज्ञ। हम कहीं व्यवस्था बताइए, तो कहे हमारे पंडित जी हैं, पूछे मैंने,
तो बताया कि इसमें बहुत खर्चा पड़ेगा आपका। कितना खर्चा पड़ेगा? तो बताया हमें क्या क्या करना पड़ेगा पंडित जी। तो कहें देखिए पांच ब्राह्मण रहेंगे। अच्छा। एक हफ्ते लगातार आपका पूजा पाठ करेंगे। अच्छा। और जितने आदमी हैं सबको खिलाना पिलाना पड़ेगा। लगभग खर्चा कितने का? तो हमने कहा लगभग खर्चा कितना गिरेगा। तो उन्होंने बताया कि लगभग 50,000। 50,000? ये ढोंगी होते हैं, तांत्रिक, ओझा, सोखा, मुल्ला, मौलाना, पंडित सब बेकार है। इतना 50,000 खर्चा कहाँ से कोई गरीब आदमी लाए? सर हमने कहा कि लड़की भी ठीक हमारी नहीं हुई है, 50,000 ये करावे, इतना पैसा हमारे पास कहाँ है। तो सर फिर हम तो यहाँ आप मेरे के आए तो कैसे आए हैं आप? हाँ सर, हम और आए तो एक कैसेट हमको मिला, कैसेट जो फिर यहाँ से बढ़ती है। बताया कि आदमी हमको 2 बजे बताया, तत्काल आप आ गए उसी दिन 2 बजे बताया, तुरंत भाग कर हम आए, लेट में हम आए आपके यहाँ, आप बिगड़ गए। आपको हमने बताया तो आप कहाँ ठीक है। तो सर उसी दिन हमको आराम हुआ। उसी दिन कितना उस दिन भूत मरवाया? 4। चार। मतलब यहाँ संतुष्ट हैं आप? एकदम एकदम संतुष्ट हैं। आप वहाँ के सभासद हैं मेरे ख्याल से? नगर महापालिका के सभासद हैं। क्या नाम है आपका? रामवृष भारती। चलो आपका मोबाइल नंबर डाल दिया, इसके अंदर भी कर दूंगा कि आप इसकी आपकी रिश्तेदारी है, करीबी में है लमसम। ये कैसी थी, कैसी हो गई, आप इसके बारे में भी कॉल आएंगे तो आप बताइएगा, अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ भूतों को मैंने मार दिया, अगली डेट पे 5 मारा, अभी खुद ही गिनती में बता दिया ना, 5 मरा गया, आज फिर मैं 5 मारूंगा और तुम लोगों को अगले डेट के लिए रखूंगा कि इंडिया टीवी या कोई भी दुनिया का चैनल बात करना चाहे मरे हुए व्यक्ति से तो बातचीत कर सकता है। मैं बातचीत अकाल मौत जो भी मरता है मैं उससे बातचीत दोबारा करा सकता हूँ, और फिर मैं मारने के बाद मैं भी नहीं करा सकता हूँ। अब मैं 5 को मारने के बाद फिर इस लड़की की अब साइन करवाऊंगा, तब उसमें देखा जाएगा कि क्या है। नींबू ये दबाया है सर? चलो अभी मैं 5 शैतानों को मारने की तैयारी कर रहा हूँ। चाकू दो। ऊपर से भी है ना। चलो अभी ये तो गए वो सब, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अंजनी। दस्तखत करो जरा आदमी से। कहे तक पढ़ी हो? 9 में पढ़ती हो। चलो अपना नाम लिखो यहाँ पर, ये लो लिखो, खूब बढ़िया नाम लिखो। कैसे लिखती हो लिख? अब ये लड़की अंजनी जो इस समय आपके सामने बैठी है जी। ये वो आदमी दस्तखत बनाने जा रही है। ये आपकी दस्तखत है ये अंजनी? ये आपकी दस्तखत है? ठीक। ये किसकी है? इसके ऊपर वाली दस्तखत किसकी है? आपको नहीं मालूम है? ये आपने नहीं किया है? ये आपकी दस्तखत नहीं है? ये आपने लिखा भी नहीं है? जो कि अभी अभी 5 साल पहले जो लड़की मरी है वो उसने लिखा, इसकी रूह इसके ऊपर आई, उसने लिखा। ये सही कह रही है कि ये मैंने नहीं लिखा है? सही कह रही है जी। ये इसकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं लग रही है मुझे, है ना जी? और ये वाली राइटिंग अच्छी है जी। चलो ले लिया, खूब बढ़िया। चलो मतलब ये दस्तखत आपने नहीं किया, ये वाली दस्तखत आपने नहीं किया, मगर आपकी बहन जो 5 साल पहले मर चुकी है वो आपके ऊपर रहती है, वो आई है, वो दस्तखत करी है, मैंने उसे दस्तखत करवाया। देखो इसको, ये आपकी बहन ने दस्तखत किया है मगर हाथ आप ही का चला है, ये हाथ आप ही का चला है मगर आपने नहीं किया, ये सही है, वो उसने किया। आपकी दस्तखत ये वाली नीचे वाली है, ठीक है? नीचे वाली दस्तखत ये आपकी है, जो ये 5 साल पहले मरी है, ये ऊपर वाली दस्तखत उसकी है। अभी मैंने 5 शैतान आपके ऊपर के और मार दिया, अगले डेट में 5 मारा था, आज 5 मार दिया, बचे हैं 5, ठीक है? अभी अगले डेट में मैं संडे को 5 उसको भी मार दूंगा। बरम जानो बहुत हमको परेशान। क्या परेशान करता है बरम? कल रात को बहुत देर में परेशान किया, मुझे पकड़ना पकड़ रहा है, बीवी बना के रखा है तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा साला। दामने लगता है ना ड्राई पीने से कलाई पकड़ने लगता है, बहुत परेशान। सपने में? सपने में भी, हकीकत में लगता है। हकीकत में लगता है आपको? कहाँ पर? अकेले सोती हैं या? जी।
अकेले क्यों सोती है? मम्मी के साथ 9 बजे लेके 3 बजे भोर ले रहता है वो। आज 9 बजे से रात को 9 बजे से लेके 3 बजे भोर तक इसके साथ था वो बरम। सब पुरानी मन बैठन लग गया। बातचीत कर रहा था आपसे वहाँ? फिर क्या कर रहा था वो? खाली घिघिया डरवाता था खाली। आपको कैसा लग रहा था वो आपके साथ क्या कर रहा था? सब बस आसपास में मर गए थे, फिर बिस्तर पर चला। बिस्तर पे चला गया। लेकिन क्यों ना ब्रह्म को आज मैं मार ही दूं? जी बहुत परेशान है ना, ब्रह्म को आज मैं मार ही देता हूँ। ठीक, ले आओ 50 टेनेबल ले आओ, मैं ब्रह्म को भी आज मार ही देता हूँ। ब्रह्म, क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तेरा? ब्रह्म, रात को इसको कल 11 बजे से लेके 3 बजे रात तक इसके साथ क्या किया तूने? हैं? क्या किया? अरे ये लड़की बता रही है, हाथ पकड़ के घिसता है, बिस्तर पे लेके चला जाता है, सही है? अच्छा तू ये लड़कियां को भी ले जाना चाहता है, इसकी एक बहन को मार दिया, इसको भी मारना चाहता है। मैं उससे पहले मैं तेरे को क्यों ना मार दूं? ते तो दोगला परम ना हुए? तेरा कोई नाम है? हाँ? तेरा कोई नाम है? दोगला हुए? हाँ? बोल यार, दोगला हुए? हाँ? तेरे बाप का क्या नाम है? नाम पता है कुछ? हरामी था? हाँ? अबे दोगला हुए? हाँ? कै साल से हुए एके घरे में? एके घरे में कै साल से हुए? तेरे घरे में बचपन से। अच्छा, एके घरे में बचपन से हुए? कौन फेंका है तेरे को उस घर में? तेरे सास के नैहर का। एकरे सास के नैहर का तू हुए? तो यहाँ कैसे आ गए? लेके घरे कैसे आ गई? बलापन का संग। क्या बचपन से? अच्छा, बचपन ही से तू इसके घर आ गया। चल मैं तेरे को अभी मैं मार देता हूँ। तू लड़की को तो एक बहन को मार दिया, अब मैं तेरे को भी मार देता हूँ, क्योंकि ये लड़की की जान बच जाए। अगर मैं तेरे को छोड़ देता आज, तो तू ये लड़की को कई दिन में मार देता? है नहीं मार पाता तू, अब क्या मारेगा? नींबू दबाओ फट से यार उसको। परम को भी आज मैं मने मारने जा ही रहा हूँ। क्या लक्ष्मी, आखिरी इच्छा ये देख, इधर देख, इधर इसको जलवा दो, फौरन जलवा दो। जो आदमी चिता बाहर चल रही है उसमें जल, जल्दी से जा, छोड़ लड़की को, भाग भाग जल्दी, छोड़ के जल्दी से छोड़ इसको, अभी निकाल, इस निकाल जल्दी इसके पार्टी से, निकाल निकाल। चल भैया, ब्रह्म को मैंने मार दिया, नहीं तो ये लड़की को मार देता, इसलिए मैंने ब्रह्म को मार दिया। क्या शैतान होते हैं? सब होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये सब नहीं होते हैं, बकवास होते हैं। सही है, शैतान होते हैं, इब्लीस लिखाई है हम लोगों के हदीस में लिखाई हुआ है, इब्लीस मतलब शैतान, हराम मौत जो मरता है वो शैतान बन जाता है। मैंने सब में हराम मौत में जो भी मरेगा वो शैतान हो गया। अब देखो, मैंने इन शैतानों को ऊपर मैंने भेज दिया, मालिक की मेहरबानी है, मालिक का करम है। बस क्या हुआ, क्या हुआ, काय सो गई थी? हैं? नहीं मालूम? अभी आप सो गई थी, आपको मालूम नहीं है? ब्रह्म जो आपको पत्नी बना के पत्नी रखा था ना, ब्रह्म ब्रह्म, उसको मैंने ऊपर भेज दिया, अब तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। अब चार हैं, ठीक है, अतवार को उन चारों को भी मार देंगे, ठीक है? वो लोग परेशान नहीं। नहीं, वो तो तुम्हारी एक बहन है और सब परेशान नहीं करेंगे। ये ब्रह्म सबसे कमीना था ना, तेरी बहन को वही मारा, तेरे को भी मारने की बात कर रहा था, मैंने उसको अभी अभी मार दिया, ठीक है? अभी खड़ी हो, जरा सा खड़ी हो, खड़ी हो, कैसा लग रहा है? खड़ी हो के चलो एक कदम, कैसा लग रहा है अभी आपको? कमजोरी वमजोरी लग रहा है कुछ? चक्कर जैसा आ रहा है, तो कमजोरी जिस पिलर पे आप चल रही थी, 6 को मैंने आज मार दिया, तो कमजोरी है अभी। आप बाहर 10 मिनट टहल लो, अभी ठीक हो जाएगा। बाहर टहलवा, जाओ धीरे धीरे, इसको ले जाओ, उसको टहला दो।